फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई कमाल की वीडियो एडिटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स अभी तक आप सभी ने उस वीडियो का प्रीव्यूज नहीं देखे तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग पहले उस वाले वीडियोस का प्रीव्यूज देख करके आ जाइए, जिस वीडियो का फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग भी उस वीडियो का पहले प्रीव्यूज देख करके आ जाइए। तो फ्रेंड्स आप सबने वीडियो का प्रीव्यू देख लिया, फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, देखने में कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को कुछ इसी तरह का वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, लास्ट तक जो है देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ इसी तरह का वीडियो बहुत ही आसान से सिंपल से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहां से मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और चलता हूं मैं अपने मोबाइल के काइनमास्टर के एप्लीकेशन में और वहाँ से फ्रेंड्स मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जितने भी मटेरियल्स को यूज़ किया उस सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप लोग जा करके डाउनलोड आसानी से सिंपल से कर सकते हैं। अगर आप सभी को जो कोई भी मटेरियल्स डाउनलोड करने में दिखते हुए तो आप लोग मुझे जो है ना टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप लोग जो है से हमें पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने मोबाइल के काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स जिस इस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स वो भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके अल्प भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी मैं कोई अपलोड करूँगा तो वीडियो को नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप सभी के बीच पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स चलें यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने मोबाइल के काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं अपने काइन मास्टर के एप्लीकेशन में आ गए। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को करना क्या है कि फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी को सिंपली सा क्रिएट न्यू वाले पे क्लिक करके यहाँ से 9x16 का रेशियो लेके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद अब आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा सेटिंग वाले पे चले जाना होगा, एडिटिंग पे चले जाना होगा। एडिटिंग पे चले जाने के बाद फोटो ड्यूरेशन का घटा के आप लोगों को कुछ इस तरह से 0.5 से कुछ एक कम कर देना, यानी कि 0.4 सेकेंड पे ला देना है, ठीक है। 0.4 सेकेंड पे ला देने के बाद फोटो डिस्प्ले मोड को फिट स्क्रीन में अगर रहेगा तो आप सबको फिल स्क्रीन में करके इस तरह से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोगों को मीडिया वाले पे क्लिक कर देना होगा। मीडिया वाले पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग अपने फोटो वाले सेक्शन में चले जाइएगा। चले जाने के बाद आप लोग जो इमेज को फ्रेंड्स आप लोग बनाना चाहते हैं यानी कि एड करना चाहते हैं वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग जो है फोटो को एड कर लीजिएगा। तो फिर चले यहाँ से मैं जो फोटो को जो है वहाँ से एड कर लेता हूँ। आप लोग भी जो फ्रेंड्स जो इमेज को फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं वहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों को फोटो को एड जो है कर लेना है। फ्रेंड्स आप लोगों को फोटो कब तक एड करना है, जब तक जो है फ्रेंड्स आपका जो है वीडियो का ड्यूरेशन 17 सेकेंड से कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता है तब तक जो है फ्रेंड्स आप लोगों को फोटो को ऐड करते ही रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैं जो है उस तरह से फोटो को ऐड कर ले रहा हूँ, आप लोग भी जो है उसी तरह से फोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स हमारा 16 सेकेंड हो चुका है, अब जो है 17 सेकेंड होने में जो है कुछ ही समय बाकी है। देख सकते हैं 17 सेकेंड तक यानी कि 17 सेकेंड जो है हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 17.990 तक आप लोगों को ऐड कर लेना, ठीक है। 17.990 तक ऐड कर देने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपल सा इसमें ऑडियो को ऐड करना है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। जाने के बाद आप लोग इस ऑडियो वाले पे क्लिक कर देना होगा। ऑडियो वाले पे क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को फोल्डर में जाकर के आप लोग जो भी फोल्डर में रहेगा ऑडियो उस फोल्डर में जाकर के आप लोग उस वहाँ से ऑडियो को ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैं जो उस ऑडियो को जो ऐड कर लेता हूँ, आप लोग फ्रेंड्स जो है ऑडियो को ऐड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स उस ऑडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से यही ऑडियो को यहाँ से फ्रेंड्स इस ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर देने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा जैसे आप लोगों ने जितने भी फोटो अभी ऐड किया था उस सभी फोटो पर जैसे एनिमेशन को ऐड करना है, तो ठीक है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा दोनों उंगलियों को पकड़ कुछ इस तरह से आप लोगों को जूम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को देख सकते हैं मैं जूम कर लिया। जूम कर लेने के बाद आप सबको करना क्या होगा, इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए आप लोगों को देख सकते हैं इस फोटो पर क्लिक कर देना होगा, क्लिप ग्राफिक में चले जाना होगा। क्लिप ग्राफिक में चले जाने के बाद फ्रेंड्स अब आप लोगों को करना क्या, देख सकते हैं यहाँ पर इन एनिमेशन का एक क्लिप ग्राफी, इस पर क्लिक करके आप लोगों को 10 नंबर वाले को ऐड करना है। फिर से आप लोगों को अगली इमेज पर क्लिक करके क्लिप ग्राफिक में जा करके फिर से आप लोगों को इन एनिमेशन में जा करके 10 नंबर वाले को ऐड कर लेना है। तो फिर से आप लोगों को कुछ इसी तरह से सभी इमेज पर जो है इन एनिमेशन के जो है ना 10 नंबर वाले को ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं जो है सभी इमेजों पर जो है क्लिप ग्राफिक में जा करके इन एनिमेशन में जा करके 10 नंबर वाले को ऐड कर ले रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये एनिमेशन वाले डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गेट मोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से सभी इमेजों पर मैं इन एनिमेशन में जा करके
10 नंबर वाले को ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इस तरह से सभी इमेज पर क्लिक ग्राफिक में जाकर के इन एनिमेशन में जाकर के 10 नंबर को ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैं जो इस काम को यहाँ से स्किप कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से मैं सभी इमेजों पे इन एनिमेशन में जाकर के 10 नंबर वाले को ऐड कर ले। ऐड कर देने के बाद आप लोग यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से आगे आ जाना है। आगे जाने के बाद आप लोग को फिर से मीडिया वाले पर क्लिक कर देना है। मीडिया वाले पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग को एक और इमेज को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं जो एक और इमेज को ऐड कर ले रहा हूँ। एक और इमेज ऐड कर देने के बाद आप लोग करना हमेशा फोटो पर क्लिक करके कुछ इस तरह से आप लोग को ड्यूरेशन जो इस तरह से आप लोग को बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, कि फोटो का ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से बढ़ा देना है। तो देख सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को 2 सेकंड तक यानी कि 2 सेकंड तक ऐड करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 सेकंड तक मैं जो ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद आप लोगों को ओके कर देना। ओके कर देने के बाद आप लोगों को इसमें भी एक एनिमेशन को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप लोगों को फोटो पर क्लिक कर देना होगा, क्लिप ग्राफिक में चले जाना होगा। आप लोगों को फिर से भी इसी में भी आप लोगों को इन एनिमेशन में जाकर के 10 नंबर वाले को ऐड करना है। ऐड कर देने के बाद आप लोगों को डन कर देना। डन कर देने के बाद आप लोग कुछ तरह से एंड में आ जाना, यानी कि लास्ट में आ जाना है। आ जाने के बाद आप लोगों को फिर से सेटिंग में चले जाना है, एडिटिंग में चले जाना है। फोटो ड्यूरेशन को 0.4 ही सेकेंड में आप लोगों को ला देना है। फिर से ला देने के बाद आप लोगों को फिर से बैक आ देना है। आ जाने के बाद आप लोगों को मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से इमेज को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मैं जो फिर से इमेज को ऐड कर ले रहा हूँ। आप लोग भी कुछ इसी तरह से इमेज को ऐड कर लीजिएगा। आप फ्रेंड्स आप लोगों को लास्ट तक जो है जितनी इमेज को जरूरत पड़ने वाले उतनी इमेज को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से जैसे मैं ऐड कर लिया हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं इमेज ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं इमेज को ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद आप लोग करना क्या होगा, सिंपली सा देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से फोटो का ड्यूरेशन जो लास्ट का जो इमेज है उसका ड्यूरेशन 12 हो चुका है। तो हमें इसको घटाने के लिए आप लोग करना क्या होगा, इस फोटो पे क्लिक करके फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ इस तरह से घटा देना होगा। घटा देने के बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली सा अभी जो फ्रेंड्स आप लोगों ने जितने भी इमेज को ऐड किया है यहाँ पर, जितने भी फोटो को ऐड किया उतने पर आप लोगों को सभी को जो है एक और इसमें एनिमेशन को ऐड करना। तो ऐड करने के लिए आप लोगों को फोटो पर क्लिक कर देना है, क्लिप ग्राफिक में चले जाना है। क्लिप ग्राफिक में जाने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कॉल मी डीजी बीट साइन का, इस पर क्लिक करके फर्स्ट नंबर वाले को ऐड करना है। फ्रेंड्स आप लोग कुछ इसी तरह से सभी इमेजों पे जाकर के आप जितने भी बाकी है सभी इमेजों पे जाकर के कॉल मी डीजी के फर्स्ट नंबर वाले को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से मैं जो फटाफट से जो है सभी इमेजों पर कॉल मी डीजी का फर्स्ट नंबर वाले को ऐड कर ले रहा हूँ। आप लोग भी जो है कुछ इसी तरह से सभी इमेजों पर कॉल मी डीजी में जाकर के फर्स्ट नंबर वाले को ऐड कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप सभी को कॉल मी डीजी बीट साइन का एप्लीकेशन कैन मास्टर में आप सभी के नहीं है, तो फ्रेंड्स मैंने उस पर वीडियो बना दिया हूँ कि किस तरह से जो कॉल मी डीजी जो है कैन मास्टर में जो है इंस्टॉल किया जाता है, तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद फिर उस वीडियो को देखकर फ्रेंड्स आप लोग आसानी से जो है कॉल मी डीजी का बीट साइन एप्लीकेशन इसमें अपने जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से चलिए फटाक से मैं सभी इमेजों पर जितने भी आप बाकी है सभी इमेजों पर कॉल मी डीजी का जो है फर्स्ट नंबर वाले को ऐड कर ले रहा हो। आप लोग भी कुछ इसी तरह से सभी इमेज पर जो है ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाक से जो है एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर कुछ इसी तरह का वीडियो देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो कुछ लास्ट में जो है आ चुके हैं, कुछ होने ही वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को थोड़ा जैसे ध्यान से देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ इसी तरह से बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स एंड तक नहीं देखते तो भी स्किप करके देखते तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो हमें कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई हमसे एडिट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से जो है आप लोग वीडियो को जो है कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं जो सभी इमेजों पर जो कॉल मी डीजी के फर्स्ट नंबर वाले को ऐड कर लिया, और आप लोग भी कुछ इस तरह से सभी इमेजों पर कॉल मी डीजी का फर्स्ट नंबर वाले को ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फर्स्ट नंबर वाले को ऐड कर देने के बाद आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा कुछ इस तरह से आप लोगों को आगे आ जाना है। इतने जो यहाँ पर आप लोगों ने बड़ा ड्यूरेशन वाला फोटो को ऐड किया था उतने तक जो है आप लोगों को आ जाना है। आ जाने के बाद अब आप सभी को करना क्या होगा, सिंपली सा यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को 19 सेकेंड यानी कि 19 सेकेंड पे आप लोगों को आ जाना है, 19.1 सेकेंड पे आ जाना है। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को एक जो है इसमें ब्लिंकिंग लाइट वाले वीडियो को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स चले यहाँ से मैं जो ब्लिंकिंग लाइट वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से मैं जो ब्लिंकिंग लाइट वाले वीडियो को ऐड कर रहा हूँ, आप लोग भी जो ब्लिंकिंग लाइट वाले वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ब्लिंकिंग लाइट वाले वीडियो को ऐड कर देने के बाद आप सबको करना क्या होगा, सिंपल से बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना होगा। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद फिर से आप लोग उसी पे क्लिक करके नीचे देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन से ब्लेंडिंग वाले पे क्लिक करके स्क्रीन में कर देना है। स्क्रीन में कर देने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से बड़ा वाला ड्यूरेशन का फोटो के लास्ट में जो है आ जाना है। आ जाने के बाद आप लोगों को इस ब्लिंकिंग वाले लाइट इफेक्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर देना है। कैंची पर क्लिक करके टर्म टू राइट प्ले हिट कर देना है। टर्म टू राइट प्ले हिट कर देने के बाद अब आप सबको करना क्या होगा, सिंपल से इसमें एक और टेम्पलेट वाले वीडियो को ऐड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना होगा, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद
यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को जो है एक ब्लिंकिंग सॉरी टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है, कलरफुल टेम्पलेट वाले वीडियो को ऐड जो है ना कर लेना। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से मेरे उस टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐड कर देने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इस ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ से ऑडियो को म्यूट कर देना होगा। म्यूट कर देने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना होगा, यहाँ से तरह से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से इसी पर क्लिक कर देना होगा, बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना होगा। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद इस तरह से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद नीचे देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन, ब्लेंडिंग वाले पर क्लिक करके यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों को स्क्रीन में कर देना है। स्क्रीन में कर देते ही फ्रेंड्स ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ कि दिखने में कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो जो है काफी ज्यादा अच्छा और अमेजिंग का भी कमाल का भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के एक्सपोर्ट आने की सेव करने के लिए आप लोग इस एरो वाले पे क्लिक करके अपने मन पसंद रिलेशन में यहाँ से सेव पे क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर देने के बाद फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए एडिटिंग कमाल के वीडियो के साथ।